सुनी एक्शन कमेटी दादू और तहसील जूही का इजलास 72 घंटे गुजर गए हैं, गुस्ताखों को गिरफ्तार न किया गया और ना ही इनके खिलाफ तोहीन साहबा का केस दाखिल किया गया। अगर FIR दाखिल करके मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। सुनी एक्शन कमेटी तहसील जूही का इजलास ज़ेर सदारत हाजी सालार लगारी के हुआ, जबकि मेहमान खसूसी सुनी एक्शन कमेटी सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी नजमुद्दीन मुजाहद थे। इजलास में जूही तहसील के यूनिट के सदर ने शिरकत की और उलमाए कराम ने भी शिरकत की और मुतालबा किया कि जल्द टंडू रहीम के तोहीन सहाबा करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ तहसील दादू का वर्किंग कन्वेंशन मरकजी अहले सुन्नत में हुआ। तमाम तहसील से यूनिट सदर जिम्मेदारों ने शिरकत की, जबकि उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुतालबा किया कि 10 मुहर्रमुल हराम को PS टंडू रहीम तहसील जूही ज़िला दादू में इमानुल्ला सोमरू, अली मोहम्मद खास खेली, गुलाम मुस्तफ़ा सोमरू, कोड़ू खान खैस खेली और कब्बर खान खास खेली की क्यादत में मजालिस के दौरान हज़रत खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन सईदना हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन सईदना फ़ारूक अजीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन सईदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की संगीन तोहीन, तबरा तंज और गुस्ताखी करके उम्मत मुसलमा की शदीद दिल आज़ारी की है, जिससे अवाम अहल सुन्नत के शदीद जज्बात मजरूह हुए हैं। अभी तक गुस्ताखों के खिलाफ ना तो FIR दाखिल हुई है और ना ही गिरफ्तार किए जा सके हैं।